Hello everybody, I welcome you again in my YouTube channel, that is Turbo Craze. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं आपको Hyundai i20 के बारे में, जो कि एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है इंडियन मार्केट के अंदर. इसका जो नया जनरेशन लॉन्च हुआ है, ये भी अच्छी डिमांड में रह रहा है, कर्टसी इसके फीचर्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेस, शार्प डिज़ाइन, एजी डिज़ाइन. फ्रंट का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है, साइड का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है, शानदार है. बैक का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है, खासकर जो टेल लाइट इसमें दिए गए हैं जेड शेप में, उनको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था. जो अर्लियर जनरेशन थी उसकी बैक लाइट जो थी काफ़ी सुंदर दिखती थी. यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बेहतर हो सकते थे. स्पेस काफ़ी अच्छी है इसकी, इंटीरियर स्पेस, बूट स्पेस भी 351 लीटर्स का है, अच्छा है इस सेगमेंट के हिसाब से. अगर अब इसके कंपटीशन की बात करें, टाटा अल्ट्रोज के साथ इसका कंपटीशन किया जाता है, मारुति सुजुकी की बैलेनो के साथ इसका कंपटीशन किया जाता है, टोयोटा की ग्लांजा के साथ इसका कंपटीशन किया जाता है, और वॉक्सवैगन की पोलो के साथ इसका कंपटीशन किया जाता है. अगर हम फ्रंट की बात करते हैं, तो फ्रंट में आप को LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं हायर वेरियंट्स, DRLS इंटीग्रेट किए हुए, TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी में मिल जाता है, 10.25 को बड़ा सा टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के साथ, 16 इंच के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं. बैक का लुक इंप्रूव किया जा सकता है. अगर हम फ्रंट की बात करें, ग्रिल जो है क्लासी ब्लैक फिनिश में दी हुई है, जो काफ़ी सुंदर दिखती हैं. साइड का लुक भी अच्छा है, कट्स क्रीजेस इसमें हैं, और एक क्रोम की स्ट्रिप जो है वो पीछे तक जाती है विंडो लाइन पे, जो कि इसको एक प्रीमियम फील कराती है ऑन आउटसाइड. अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं, तो 6.91 लाख से शुरू होके 11.32 टर्बो DCT वेरिएंट इसका मिल जाता है. पेट्रोल इंजन काफ़ी साइलेंट है, डीजल इंजन भी काफ़ी रिफाइनड है, 100 BHP की पावर जनरेट करता है, काफ़ी अच्छी है. 24 km/L हमें माइलेज मिल जाता है. अगर आप ज़्यादा गाड़ी चलाते हो तो डीजल इंजन आपके लिए सही रहेगा. अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, तो 170 nm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है. इस गाड़ी में आपको एक सनरूफ भी मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर. काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है ये, गाड़ी को लेना कभी गाड़ी का सौदा नहीं हो सकता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.